नमस्कार। होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के बीच होली की बधाई देने आई हूं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूं कि इस साल होली खेलने से आप डरना मत। रंग छुड़ाने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वजह से क्या होता है, वो होली जैसे प्यारे त्यौहार को फुल्ली एंजॉय नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, बहुत छोटे छोटे टिप है, अगर आप उन्हें अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आपको होली से घबराने की आवश्यकता नहीं होगी और आप इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकोगे। तो आपको क्या करना है कि होली खेलने से पहले, जब आप होली खेलने जा रहे हो, तो आप ये करो कि एक पहले से थोड़ी तैयारी कर लो। उस तैयारी में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप अच्छे से इसे नोट कर लो। उसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि आप पहले अपने बालों में कैस्टर ऑयल और नारियल तेल, इन दोनों को मिलाकर आप अपने बालों पे अच्छे से लगा लो। कैस्टर ऑयल और नारियल तेल दोनों बहुत ग्रीजी होता है, तो उससे क्या होगा कि आपके बालों में एक प्रोटेक्शन आ जाएगा उससे, और रंग जब भी लगेगा तो बालों को वो रंग पकड़ेगा नहीं। तो इसलिए आप कैस्टर ऑयल और नारियल का तेल, या फिर नारियल का तेल या सरसों का तेल, वो भी सरसों का तेल भी बहुत ग्रीजी होता है, तो आप इन्हें मिक्स करके अपने बालों में अच्छे से लगा लो। ठीक है, फर्स्ट तैयारी तो ये हुई। सेकंड आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे स्किन में, मतलब पूरे बॉडी में, फेस पे, पूरे बॉडी में आप अच्छे से वाइट पेट्रोलियम जेली, जो वैसलीन होता है ना, उसे अच्छे से लगा लो। वो बहुत ग्रीजी होता है और उस पर रंग आसानी से चढ़ता नहीं है। ठीक है, तो आप होली खेल भी लोगे और रंग जो है ना स्किन पर नहीं उसका इफ़ेक्ट आएगा। तो ये तो आपकी होगी तैयारी कि आपको अपने स्किन में क्या लगाना है, बॉडी में क्या लगाना है, बालों में क्या लगाना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब आप रंग खेल कर आओगे तो आप अपने लिए नहाने के पहले बाथरूम में एक बोल में आप क्या करो कि अपने बालों के लिए आप आधा कटोरी दही और उसमें आधा कटोरी पानी, एक नींबू और उसमें 4 चम्मच बेसन, मतलब जैसे हम कढ़ी बनाते हैं ना, तो आप दही, पानी और बेसन ये सब का मिला के एक गाढ़ा घोल जैसा, जैसे आप पकौड़ी और चिलड़े के का घोल करते हो उस तरह का घोल करके वो आप रख लो अपने बालों के लिए। ठीक है, और अगर आप उसमें लेमन एक नहीं डाल रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो कि उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उसमें 2 से 3 चम्मच आप एप्पल साइडर विनेगर के डाल देना। तो दही, एप्पल साइडर विनेगर, पानी और बेसन, ठीक है, ये हो गया आपके बालों के लिए। और आपके बॉडी के लिए क्या करना है, आपको एक कटोरी में दही लेकर और उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए, उसमें 2 से 3 चम्मच बेसन ले लीजिए और 2 चम्मच या तो आप राइस पाउडर ले लीजिए या फिर कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए, और फिर इन सब को अच्छे से मिक्स करके, मतलब दही, बेसन, नींबू, राइस पाउडर या कॉफ़ी पाउडर, इन सब को आप मिला के रख दो और फिर आप आराम से खेल के आओ। खेल के जब आओगे तो अपने बालों में एक बार कोम्ब जरूर कर लेना मोटे कंघी से, तो जो भी थोड़ा ड्राइनेस होगा, जो अबीर वगैरह होंगे, वो झड़ जाएंगे। उसके बाद आप ये पैक अप्लाई कर लो, अप्लाई करके 15-20 मिनट छोड़ दो। आप 15-20 मिनट वो सर पे लगा हुआ है, अपने पूरे बॉडी में, फेस पे, सब जगह वो पैक जो आपने बॉडी के लिए तैयार करके रखा था उसे अप्लाई कर लो। 10-15 मिनट यूं ही लगा रहने दो और अच्छे से आप जेंटल वे में पूरा उसे मसाज करो अपने बॉडी में, और उसके बाद आप वॉश कर लो। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई कि जो आप पैक तैयार करोगे अपने बॉडी के लिए, अपने फेस के लिए, उसमें आप 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल भी डाल देना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो रैशेस हो जाते हैं, जो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है कलर की वजह से, वो चीज़ नहीं होगा और आपकी स्किन जो है ना वो हाइड्रेटेड रहेगी। तो ये हो गया, आप इसको अप्लाई करो, 15-20 मिनट, आधा घंटा रहने दो और फिर ल्यूक वॉर्म वाटर से या फिर ठंडे पानी से आप नहा लो। ठीक है, गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिएगा, उससे बॉडी आपकी और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, हेयर और ड्राई हो जाएंगे और फिर स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए, आप नहा लिए। नहाने के बाद आप क्या करो कि 1 चम्मच ग्लिसरिन, 2 चम्मच एलोवेरा जेल और उसमें 2 चम्मच ही आप गुलाब जल के
इन तीनों को अच्छे से मिक्स करो और मिक्स करके बॉडी लोशन की तरह पूरे बॉडी में अपने हेयर पे अच्छे से अप्लाई कर दो। आपको कभी भी कलर से जो भी प्रॉब्लम होती है, रैशेज हो जाते हैं, वो सब नहीं होंगे और इस फेस्टिवल को आप इस साल अच्छे से एंजॉय कर सकोगे। और आप मुझे याद करोगे कि हमने होली भी खेली और रंग भी बड़े प्यार से नेचुरली उसे रिमूव किया। तो आप होली खेलो और मैं आप लोगों को होली की हार्दिक बधाई देती हूँ कि ये होली आपके लिए एक यादगार होली रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।